एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी वेस्टर्न हिमालयन रीजन और एडजाइनिंग प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इफेक्ट कर रही है। ये 3 तारीख से वेस्टर्न हिमालय रीजन पे हिमपात हो रहा है और कल से जो प्लेन एरिया है जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, नॉर्थ राजस्थान इंक्लूडिंग दिल्ली में बारिश शुरू हुई है। हमारा डाटा जो रिसीव इंटेंसिटी कम होते हुए भी रेनफॉल ये एरिया में जारी रहेगा और 24 घंटे के बाद ड्रास्टिकली रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगा। इसके साथ साथ जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्टर्न हिमालयन रीजन के ऊपर पास करके चला जाता है टेम्परेचर में गिरावट होता है। हमारी उम्मीद है कि 8 और 9 तारीख से शुरू करके जो प्लेन एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का यूपी तक टेम्परेचर में गिरावट होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट होगा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर जो अभी एबो नॉर्मल है इस एरिया में लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, यहां से भी टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस में गिरावट आएगा अगले 2-3 दिन में। बारिश की अगर बात की जाए अगले 2-3 दिन में बारिश वगैरह है अगले 24 घंटे के लिए जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी एरिया में बारिश होगी।